मैगी के अंदर फेंटा, अब तक मैगी के अंदर चॉकलेट आपने देखी होगी, लेकिन इन्होंने मैगी के अंदर फेंटा डाल दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मैगी के अंदर कभी फेंटा ट्राई करने वाली हूँ, लेकिन हम फेंटा वाली मैगी सच में ट्राई करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले भैया क्या डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं। तो ये देसी घी में बना रहे हैं मैगी हमारी। घी डालने के बाद इसके ऊपर शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर डाल दिए इन्होंने। ये फेंटा मैगी का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? एक दिन बना रहे थे और एक आदमी यहाँ पर देख मतलब फेंटा पी रहे थे मैगी के साथ, तो उन्होंने फेंटा, मैं बोला कि इसमें गर्म करके डालते देखो, तो मैंने उसमें गर्म करके बनाया, फिर उनको अच्छा लगा, फिर इस तरह से मैं बनाने लगा। अच्छा अच्छा, कोई मैगी के साथ फेंटा ट्राई कर रहा था तो आपने बोला कि मैगी में फेंटा डाल देता हूँ मैं। हाँ। तो यहाँ से आइडिया आया। अच्छा, अब डलेगी इसमें फेंटा। तो इन्होंने शेक कर ली फेंटा पहले और ये डल गई है इसमें फेंटा मैगी के अंदर। तो पानी की जगह यूज कर रहे हैं फेंटा। और ये देखिए गाइस, फेंटा के अंदर मैगी डाली जा रही है, पानी के अंदर नहीं डाली जा रही है मैगी, फेंटा के अंदर डाली जा रही है। और ये मैगी डाल दी भैया ने दूसरी। तो भैया ये मैगी जो बनती है इसका टेस्ट कैसा होता है? अभी आप खाइएगा, टेस्ट बढ़िया ही लगेगा आपको। मतलब मीठी वीठी नहीं लगती होगी? नहीं, इसमें चटपटी लगती है। अच्छा, तो मीठी नमकीन चटपटी। ये मैगी का मसाला डाल दिया भैया ने, अलग से भी मसाला डाला। अच्छा, अलग से ही मसाला डाल रहे हैं। ये क्या डाला है? नमक। नमक डाल दिया। पीसी धनिया। ये धनिया डाल दिया पिसा हुआ। हल्का पीसी हरी मिर्च। लाल मिर्च डाल दिए पिसी हुई। पिसी हुई मिक्स मसाला। और ये मिक्स मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा आमचूरा। आमचूर डाल दिया है। थोड़ा थोड़ी हल्दी। और ये हल्दी डाल दी। तो नॉर्मल मैगी मसाले के अलावा भी अलग से मसाले डाल दिए भैया ने। मैगी को पकाया जाएगा। ये हमारी मैगी रेडी होने वाली है। मतलब जैसे आपके यहाँ पे लोग आते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी मैगी खाते हैं? तो मसाला मैगी खाते हैं। नहीं, कभी कोई फेंटा भी मैगी खाता है, कोई सिंपल मैगी भी खाता है। अच्छा, फेंटा मैगी के लिए भी लोग आते हैं यहाँ खाने। मैगी हमारी रेडी हो चुकी है और अब इसको ये प्लेट में सर्व करेंगे। और प्राइस क्या है भैया इनका मैगी का? 30 की। 30 की एक मैगी है। मैगी डालने के बाद प्लेट में चाट मसाला डाल दिया, तो काफी चटपटा टेस्ट आने वाला है मैगी का। हल्का नींबू मारेंगे। नींबू भी डालोगे ऊपर से? और ये डाल दिया मैगी के ऊपर से नींबू। ये हमारी मैगी रेडी है। मतलब गाइस, इंडिया में कुछ भी हो रहा है, मैगी के अंदर फेंटा। अब तक मैगी के अंदर चॉकलेट आपने देखी होगी, लेकिन इन्होंने मैगी के अंदर फेंटा डाल दिया है। जैसे नॉर्मल मैगी होती है वैसे ही है, मतलब इसका कलर थोड़ा सा रेडिश है फेंटा की वजह से। मीठा सा, खट्टा खट्टा सा टेस्ट है। तो मेरे को ये मैगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आपको ये मैगी ट्राई करनी है, कोई कुछ स्पेशल ट्राई करना चाहते हैं आप, तो यहाँ आइए कवि नगर में, और ट्राई करने के बाद